हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया फ्लेवर वाला केक रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है नियापोलिटन केक। इटली के नेपल्स शहर में रहने वाले लोग एक बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनाते थे, 3 फ्लेवर्ड आइसक्रीम। तो ये जब नियापोलिटन्स जब अमेरिका आए तो वो लोग अपना जो क्विजीन है, जो डेलिकेसीज है फ्रोजन डेजर्ट का, वो लेके आए अमेरिका में भी। और वो अमेरिकन्स लोगों को वो बहुत पसंद आया, जिसका नाम था नियापोलिटन आइसक्रीम। फिर वहीं से नियापोलिटन केक्स की भी शुरुआत हुई। ये फ्लेवर्ड 3 फ्लेवर्ड केक्स हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वैनिला का फ्लेवर है। चलिए देखते हैं ये केक कैसे बनता है। यहाँ मैंने व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लिया है। एक है चॉकलेट फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम और एक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम। गनाश डाल के मैंने चॉकलेट फ्लेवर्ड व्हिप्ड क्रीम तैयार किया है और ये जो स्ट्रॉबेरी एसेंस है ये डालकर मैंने, इसमें कलर और फ्लेवर दोनों है स्ट्रॉबेरी का, तो ये डालकर मैंने स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम तैयार किया है। ये एसेंस मुझे यहाँ कहीं नहीं मिला, मैं जब केरल गई थी तब वहाँ से लेके आई। और ये स्ट्रॉबेरी क्रश मैं यूज़ करूँगी फिलिंग के तौर पे। तो सबसे पहले केक बोर्ड पे थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा लेना है और सबसे पहले हमको चॉकलेट की स्पंज की लेयर लगानी है। ये एगलेस केक है तो इसलिए एगलेस स्पंज मैंने बना लिया है चॉकलेट का एक लेयर का। शुगर सिरप से सोक करने के बाद उसमें चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम लगाना है। ये जो मैंने चॉकलेट स्पंज तैयार किया है वो आधे कप मैदे की रेसिपी फॉलो की है। अब चॉकलेट गनाश डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद क्रंचीनेस के लिए चॉको चिप्स। नेक्स्ट लेयर जो है स्ट्रॉबेरी स्पंज की जाएगी। स्ट्रॉबेरी स्पंज में मैंने वैनिला का बैटर तैयार किया। बैटर तैयार करके उसमें वैनिला एसेंस ना डालकर स्ट्रॉबेरी, जो टाइगर एसेंस मैंने दिखाया उसे डाला है। और उससे क्या है कि फ्लेवर और कलर दोनों आ गया केक में। तो ये भी मैंने आधे कप मैदे से बनाया था। अब उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है और स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है। स्ट्रॉबेरी क्रश को अच्छे से फैला देना है। इस केक में मुझे 3 बार स्पंज बनाना पड़ा, एक चॉकलेट स्पंज, एक वैनिला स्पंज और एक स्ट्रॉबेरी स्पंज। ये तीसरी लेयर वैनिला की रखेंगे। शुगर सिरप से सोक करके इसे हम क्रम कोट कर लेते हैं। क्रम कोट करने के लिए मैंने चॉकलेट का जो बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम था उसी को यूज़ किया, क्योंकि ये एक बच्चे के लिए केक बना था तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा चॉकलेट का फ्लेवर आया, तो बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है इसलिए मैंने क्रम कोट चॉकलेट के व्हिप्ड क्रीम से किया है। इस केक का ऑर्डर मुझे उसी कस्टमर ने दिया था जिनके यहाँ मैंने वेंचो केक डिलीवर किया था और उसका गनाश थोड़ा बिगड़ गया था। मुझ पर भरोसा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उस कस्टमर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझ पे उनने फिर से भरोसा किया और फिर से मुझे नेक्स्ट डे ही एक और ऑर्डर उनने दिया। यहाँ मैंने केक को लगभग फाइनल कोट कर लिया है। फाइनल कोट करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं टेक्सचर दूंगी, जो हमारा ऑयल ब्रश है उसे एक तरफ पकड़ कर ऐसे टर्न टेबल को घुमा लेने से उसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लगता है। फिनिश्ड केक को आपको फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब केक डिलीवर करने से आधे घंटे पहले मैंने उसे फ्रिज से निकाला, कुछ चॉकलेट गनाश मैंने पोर कर दिया और जो आइसक्रीम के कोन्स आते हैं उसे आधा काट कर मैंने उसको लगा दिया। और व्हिप्ड क्रीम से उसको जैसे फ्रॉस्टी होता है वैसे मैंने सजा दिया है। तो आइसक्रीम्स वगैरह बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन सोचा, जिसमें कि ये कलर और फ्लेवर तीनों मिले, चॉकलेट भी मिले और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर मिले। मैंने यहाँ कुछ ओरियो बिस्किट्स चॉकलेट में डिप करके फ्रिज में रखा हुआ था तो उसको मैं यहाँ पे गनाश के बीच में डेकोरेशन के तौर पर लगा दे रही हूँ। एक केक टॉपर मैंने बीच में लगा दिया है, कुछ शॉर्ट्स डाल दिए हैं और ये जो फ्रॉस्टी जैसा बना हुआ है इस पे मैंने कुछ स्प्रिंकल्स से सजा दे रही हूँ। ये केक का फाइनल वेट है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप
प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और ऑल ऑप्शंस को ज़रूर क्लिक करिए ताकि नया वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलता रहे। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।